इस पूरी घटना को अंजाम देने का मकसद था, प्लानिंग थी, प्री प्लान था सब कुछ, और उस प्लानिंग के तहत इस पूरे जो बहराइच की हिंसा है उसको अंजाम दिया गया है कि इस तरीके के गाने बजेंगे, इस तरीके से उकसाएंगे तो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा तो राजनीतिक रोटियां सिकेंगी। जब हिंदू धर्म के लोग अपने ही माता के जो भजन जो यात्रा निकलती है उसमें इस तरीके के गाने बजाते हैं तो सोचिए वो कितने सनातन धर्म को फॉलो करने वाले होंगे, कितने धार्मिक लोग वहां पर होंगे कि यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को भड़काने के लिए डीजे लगाकर बजाई गई थी। दोस्तों, बहराइच मामले को लेकर जो भी आपके जहन में सवाल हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे कि बहराइच में हिंसा क्यों हुई, किस वजह से हुई और इसके पीछे किसका हाथ है, क्या इसके पीछे किसी नेता का हाथ है। तो इस वीडियो में इस लड़की ने सबका पर्दाफाश कर दिया, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। जब हिंदू धर्म के लोग अपने ही माता के जो भजन जो यात्रा निकलती है उसमें इस तरीके के गाने बजाते हैं तो सोचिए वो कितने सनातन धर्म को फॉलो करने वाले होंगे, कितने धार्मिक लोग वहां पर होंगे कि यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को भड़काने के लिए डीजे लगाकर बजाई गई थी, ये दिखाने के लिए कि हमारा पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम डीजे पे ऐसे ऐसे गाने लगाकर आप लोगों को उकसा रहे हैं। तो मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है, मुस्लिम समुदाय वो है जो शुरू से जब आज़ादी के बाद से हम मिलकर साथ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई हमने साथ लड़ी है, इस की लड़ाई में किसी का अगर योगदान नहीं था तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं था। और मेन स्ट्रीम मीडिया को टीआरपी चाहिए, वो मसाला दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है, जो नरेंद्र मोदी के समर्थक देखना चाहते हैं, जो बीजेपी आईटी सेल शेयर करेगा तो वो मुद्दे दिखाती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और उसको और सिर्फ क्या दिखाएगी कि सिर्फ दो पक्षों में भिड़ंत हुई, उसने इसकी आंख नोच ली, उसने उसके कान नोच लिए, वो ये नहीं दिखाते कि किस बात पर भिड़ंत हुई, क्या है पूरा मामला। आने से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया एक ख्याली पुलाव बना लेती है, जैसे इनके 2000 के नोट में चिप था वैसे इनकी सारी मोस्टली न्यूज़ फेक न्यूज़ होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूँ आपके साथ नलिनी। बहराइच हिंसा मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य वजह अभी तक खुलकर सामने आई है वो अभी भी वही है। जी हाँ, डीजे पे जिस प्रकार से अभद्र और भड़काऊ गाने बजाए गए और जिस तरीके से हरे झंडे को टारगेट कर फाड़ कर नीचे फेंका गया, इसी को अभी तक मुख्य वजह बताया जा रहा है। आज इसी विशेष मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मेरे साथ इस पूरे अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता तनु जुड़ चुकी हैं। तनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि दो वजहें अभी तक सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं, पहला डीजे पे जिस प्रकार से भड़काऊ गाने बजे और दूसरा जिस प्रकार से हरे झंडे को टारगेट किया गया, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मुख्य वजह बेशक निकल करके ये दो सामने आ रही हो, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी ये चाहती है कि इस बार जो चुनावों में उनको हार देखने को मिली है, उस चुनावों की हार को वो कैसे जस्टिफाई करे, वो जनता के बीच जो है दंगे भड़काना चाहती है। बीजेपी के विधायक खुद ये बात कह रहे हैं कि उनके जो पार्टी के कई नेता हैं वो इस चीज़ में शामिल हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ, बीजेपी जो कि कहती थी कि गुंडा राज खत्म कर देंगे, आज उनके राज में इस तरीके के उपद्रव कैसे हो सकते हैं? क्या जो योगी सरकार है जो बुलडोजर चला देती है मुसलमानों के घर पर, एक विशेष समुदाय के खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्या वो ये जो दंगे हैं उनको रोक नहीं सकती थी? रोक सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जब भी कोई धार्मिक कार्य हो, हिंदुओं के धार्मिक कार्य में विघ्न डालना चाहती है, क्योंकि उन्हें सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इन हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस देश की जनता से कोई लेना देना है, उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे हर पवित्र जो नवरात्र का पावन महीना चलता है उस पवित्र जो पूजा है उसमें भी विघ्न डालने का काम ये लोग कर लेते हैं। और मैं तो कहती हूँ ये बीजेपी की साजिश है, क्योंकि अगर साजिश नहीं होती तो उनकी पार्टी के खुद के विधायक ये बात ये बयान नहीं देते कि वो सब शामिल है इन चीज़ों में। और मैं आपको बता देती हूँ हरे झंडे को क्या टारगेट करेंगे, ये सारे जो लड़के हैं वो फिट किए होते हैं। और जब एक रिपोर्टर ने एक न्यूज़ चैनल ने स्टिंग किया था तो दो लोग उनको मिले थे, उन दोनों लोगों ने ये बात बोली कि हम तो सारे लोग लेकर आए थे जो पूरा का पूरा बहराइच को जो है पूरा आगजनी कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक गया क्योंकि कुछ लोग पीछे हट गए। तो ये जो बड़ी साजिश बैठ करके यूपी में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो मैं पूछती हूँ योगी सरकार कब तक चुप रहेगी? सीएम तो योगी जी है ना, योगी जी को एक्शन लेना चाहिए, और हमारे होम मिनिस्टर जी से तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट्स मुझे लगता नहीं उनके अंडर है, वो सिर्फ नाम के होम मिनिस्टर हैं, इस्तीफा वो देंगे नहीं। और योगी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि गुंडा राज खत्म हो जाएगा, हम तो योगी जी को सपोर्ट कर रहे थे कि योगी जी कुर्सी पर बैठ गए, अब हिंदुओं का भला होगा, सनातन धर्म के सारे जो त्यौहार हैं वो अच्छे से मनेंगे, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम होता रहे, ताकि धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहे, ताकि जो ये जो पूरा माहौल क्रिएट हो रहा है देश के अंदर धर्म के नाम पर वो बरकरार रहे, वो कभी ख़त्म ना हो। आप कह रही हैं कि धर्म के नाम पर ये जो माहौल है बरकरार रहे, हिंदू पक्ष भी जो है वो आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि हमारे ही धार्मिक जब यात्राएं निकलती हैं तो आखिर क्यों पत्थरबाजी होती है? सवाल
वही है कि मुहर्रम के जुलूस में क्यों नहीं पत्थरबाजी होती। इस प्रकार की बातें लगातार सामने कही जा रही। देखिए, जो बीजेपी है ना, वो मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि एक विशेष धर्म जो है वो टारगेट पे आए। इसलिए वो जब भी हमारे पवित्र महीना चल रहा होता है, नवरात्र का या कोई भी पूजा हो रही होती है, उसमें पत्थरबाजी करा देती है, उसमें आगजनी करा देती है, उसमें लोगों को भड़काकर जो नरेंद्र मोदी खुद मंच से ये बोल सकते हैं, मंगलसूत्र मंदिर मस्जिद की बात कर सकते हैं, जो उनके नेता ये बोल सकते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, तो आप सोचिए कि वो पीछे से क्या कर सकते हैं। तो जो लोग फिट किए जाते हैं, सिर्फ वही लोग उन चीजों में शामिल होते हैं, वही लोग बयान देते हैं और बीजेपी इन नाम पर वोट लेती है। तो ये जो पूरी साजिश बहराइच के अंदर हुई है, ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी का एजेंडा है, और वो बदनाम करना चाहते हैं इस देश के तमाम मुसलमानों को। और मैं तो कहती हूँ कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति आपके पवित्र पूजा में इस तरीके की चीज़ें करा सकता है, तो सोचिए वो आपके लिए कहाँ तक सही है। और अगर वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आपकी पूजा में आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, आगजनी नहीं रोक सकते, अगर विशेष धर्म ऐसा करता है, तो मोदी जी को रोकना चाहिए, योगी जी को रोकना चाहिए, होम मिनिस्टर को रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि ये साजिश है और ये बीजेपी की ही साजिश है। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि बीजेपी की साजिश है, और बीजेपी के ही एक विधायक ने बयान दिया था, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उनका बयान जो है वो पलट गया। उन्होंने कहा कि इस दंगे से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जबकि जो घटना हुई, जिस प्रकार से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उनके बेटे को गोली लगती लगती बची, अब वो अपने बयान से पलट गया। मैं सुरेश्वर सिंह की बात कर रही हूँ। जी जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब प्रेशर आता है ना ऊपर से, तो बयान भी बदल जाते हैं, और बीजेपी के नेताओं के भी बयान ऐसे हैं, प्रेशर आया होगा पीछे से, तो इन्होंने बयान बदल दिए। पर उन्होंने पहले क्यों कहा, वो अपने पार्टी के नेताओं पर क्यों आरोप लगाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जब बयान बदल दिए जाते हैं, तो आप सोचिए, बयान तो कोई भी बदलता है, डर है, परिवार का भी डर रहता है लोगों को, और कई डर रहते हैं, तो डर के मारे जो बयान बदल दिए हैं वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब रिपोर्टर्स ने स्टिंग किया था, स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो आप सोचिए वो व्यक्ति जो गली पे खड़ा है, पुलिस को वो नहीं मिल पा रहा, इस देश की पुलिस जो है, इस राज्य की जो पुलिस है, उनको नहीं मिल पा रहा वो, लेकिन एक जब रिपोर्टर स्टिंग करता है, उससे सवाल पूछता है, तो वो कहता है कि मैं पूरा आग लगा देता, वो तो कुछ लोग पीछे हट गए थे। तो आप सोचिए कि पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का सीएम क्या कर रहा है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप जाके किसी के घर में संतावना दे आते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा अपने राज्य के अंदर, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फेल है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी सरकार वो दिखाना चाह रही है जनता को जो वो खुद कर रही है, लेकिन जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही है वहाँ पर, जो लोग हिंदू लोग मारे जा रहे हैं या हिंदू लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो उस पर जाके ये लोग दो आंसू बहा के आ जाते हैं, योगी जी और जो होम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब दो आंसू बहा देते हैं, दो ट्वीट पोस्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ के जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम तो हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे क्योंकि जो मुसलमानों पर आरोप लगाए जाते हैं, मैं तो कहती हूँ हिंदुओं को ही समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमान तो समझ रहा है कि उनके नाम पर कैसे दंगे भड़काए जा रहे हैं कुछ लोगों को पैसे देकर। तो धर्म से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब देश में कोई विपदा आती है, जब कोई आपदा आती है, तो वो धर्म देख कर नहीं आती। ये जो आगजनी होगी, सारे घर जलेंगे, इसमें धर्म देखकर घर नहीं जलेंगे। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि विशेष धर्म को टारगेट कर दोनों धर्मों को आपस में लड़ा रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ हिंदुओं को हो रही है, क्योंकि मारे सिर्फ उनके बच्चे जा रहे हैं, जिसके नाम पर राजनीति हो रही है, जिसके नाम पर जो है दंगे भड़क रहे हैं। दोस्तों, जब से मोदी और योगी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक रोजाना कोई ना कोई वायरल न्यूज निकल कर सामने आती है, कोई ना कोई न्यूज रोजाना हमें पढ़ने को मिलता है, कोई ना कोई हिंसा रोज़ाना हमें सुनने को मिलता है, और जैसे ही एक मामला ख़त्म होता है तो दूसरा मामला शुरू हो जाता है, और ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा देखने को मिलती है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कब वो दिन इंडिया में आएगा जब हिंदू मुस्लिम चैन की सांस ले पाएंगे, कब भाईचारा का माहौल इंडिया में बनेगा। दोस्तों, हमें जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अमन और सुकून चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।